नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं फिर से मेदिनीपुर के साइड रेल रोड ब्रिज के। और जो उस दिन मैं लास्ट वीडियो में दिखाया था गर्ड रेल लॉन्चिंग का काम, जो इसका इरेक्शन का काम हो रहा था, वो अभी पूरा हो चुका है। और बाकी पीछे जो बचा उन्हें मैं दिखाता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए हमारे चैनल का इंट्रो। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हम इधर की तरफ, और यहाँ पे और भी ऐसे देखना है, ये सब रखे हुए हैं और भी गर्डर्स जो है इसे लगाने के लिए, काम के लिए रखा गया है। आगे की तरफ भी रखा गया, और इधर की तरफ जो आगे लगना था, जैसे कि वहाँ आगे तरफ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ चलकर, देखिए वो देख रहे हैं, और इसे पर रखा गया है इसे, तो उसका अभी काम रखना बाकी बकाया है अभी। और इस तरफ में तो अभी हुआ नहीं है, पिलर्स जो बन रहे थे आगे की तरफ, अगर पुरानी एक वीडियो मेरी डिटेल में देखी होगी तो मैंने दिखाया था कि अभी भी वो आगे वाले हिस्से का सब पर काम हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल में उसका काम तो उधर पीछे की तरफ चल ही रहा है, और बाकी मैं इधर का आगे का जो है आपको दिखा देता हूँ आगे चल करके। अभी सुबह का समय है और धूप काफ़ी कम है, मैंने सुबह का समय इसलिए चुना क्योंकि आजकल धूप काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, तो धूप में निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से जो है मैं सुबह का समय मैंने चुना है, क्योंकि अभी सुबह का समय देखिए काम भी नहीं हो रहा है कोई। और यहाँ ट्रैक्स पे जो है काम एक चल रहा है, इन ट्रैक्स के बीच में एक सपोर्टर लगाने का, देख सकते हैं ये जो होल है जो किए गए उनमें ये ट्रैक्स लगाने के लिए ये बीच में रखे गए हैं, इधर इधर ऐसे ही पूरे आगे तक रखे गए हैं। अगर आप आगे ब्रिज की तरफ देखेंगे तो वहाँ इनको लगा भी दिया गया है। और इनका क्या काम है, किस लिए आते हैं यूज़ में, इनका लगाने का क्या मोटिव है, आप लोग को अगर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भी इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगा क्या के लिए होता है, क्या इसके क्या यूज़ है। क्योंकि इसे देख रहे हैं स्लीपर्स में भी इसके लिए जगह दिए गए और वहाँ पे इन्हें लगाया जा रहा है। और आगे की तरफ में जैसा मैं बता ही रहा हूँ आपको कि लगा ही दिया गया है, देख रहे हैं पीछे की तरफ ब्रिज में पूरे लगा दिए गए, बस ये वाला हिस्सा बाकी है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इस लाइन का उद्घाटन कब होने वाला है, सुनने में तय आया था कि अप्रैल या मई तक हो जाएगा, और अभी तक कोई वो नहीं लग रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि गाजीपुर घाट वाली लाइन के साथ ही चालू होगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसको इतने जल्दी बनाने का मतलब क्या है, जब इसको गाजीपुर घाट लाइन के साथ ही चालू करना था। और ये वाला हिस्सा है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था उस दिन लास्ट वीडियो में, देखिए देख रहे हैं काफ़ी इसके ऊपर लगाया गया, और जस्ट इसके नीचे वैसी पोल है, वायरिंग गई हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इसका काम चलते रहेगा ये ऊपर वाले का, तो शायद इसे क्या पता इस लाइन को चालू भी करें या ना करें या साथ ही में किया जाए। देख रहे हैं ये ओएचई वाला हिस्सा बिल्कुल इसके बीच में है, यानी जो मिडल वाला हिस्सा है। और यहाँ तक तो इन ट्रैक्स को इन अभी प्रॉपर तरीके से अभी इनकी फिटिंग नहीं की गई है, अभी जो है बस इन्हें रखा गया है, इनके नीचे ये वाला हिस्सा लगा करके अगर आप देखेंगे तो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर इन्हें हर जगह रखा गया है। अभी हर जगह ऐसे ही ट्रैक्स को रखा गया, मतलब प्रॉपर नहीं जुड़ा, दूर से देखने में लग रहा है कि इन्हें मतलब प्रॉपर जोड़ दिया गया, पर अभी बस इन्हें रखा गया इनके जगह पर, अलाइन किया गया एक तरीके से। और आगे की तरफ एक गंगा बोर्ड का नया, गंगा रिवर का एक नया बोर्ड दिख रहा है मुझे लिखा हुआ, तो उसे भी चल के दिखा देते हैं, लगता है हाल ही में लगा, अभी उस समय लास्ट टाइम जब मैं आया था तो नहीं था ये। यहाँ देख सकते हैं गाड़ी वगैरह सब खड़ी है, लोग की एक जनरेटर है पीछे की तरफ में। अभी इस समय क्या सुबह का वक्त है, सब लेबर सो रहे हैं, जो 8-9 बजे के बाद से ही काम जा रहे लोग 9-10 बजे तक। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर लगाने के लिए ये बोल्ट लगाए गए हैं पीछे इधर इस तरफ में, और बाकी पीछे की तरफ में अभी बोल्ट तक नहीं लगाए गए। और यहाँ ये एक बोर्ड लगाया गया है गंगा नदी पे, देख रहे हैं गंगा रिवर, इसकी कितनी स्पैन पुल संख्या कितनी है, ब्रिज नंबर जो भी 18 है, अभी किस हिसाब से 18 ब्रिज, शायद इन रूट दिलदार नगर से यहाँ तक 18वां ब्रिज होगा ये छोटे बड़े होकर ले करके। और बाकी अंदर की तरफ अगर आप देखें तो ये वाला अंदर की तरफ अभी सेम ब्रिज में भी लगाया गया, अलाइन किया गया अभी, अगर आप देखेंगे दूर तक ऐसे ही है। ये बोर्ड लगता है हाल ही में एकदम लगाएगा, नहीं तो इसके नीचे अभी ये भी हटाया नहीं गया।
वही बात, उस तरफ रहा ट्रैक का तो अभी मेरे को ऐसा कुछ खास काम होते ही नहीं दिख रहा है अगर मैं इस बगल वाली लाइन की बात करूँ। और इसी में जो है काम चल रहा है, बोर्ड सी जो मेन है ब्रिज वाले में, उसमें सब में जो इस वजह से मैं बोर्ड लगा दिए गए, अगर आप देखेंगे यहाँ तो इस वाली की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ की तरफ से तो आप देख ही सकते हैं, बाकी काम जो हुआ था वो मैंने आपको दिखा दिया है अभी प्रेजेंट में। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उस तरफ से अगर दिखाने के लिए कुछ हो तो दिखाने की कोशिश करूँ जो भी हो रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं उस तरफ वाला हिस्सा जाता हूँ और उधर से कवर कर करके जो भी दिखाने लायक है वो वाला पोर्शन दिखाता हूँ। क्योंकि इस तरफ से जो अभी प्रेजेंट में क्या काम हो रहा है ट्रैक्स का, तो ये तो नया तो यही था मैंने बताया, जो एट प्रेजेंट वो दिखाया मैंने आपको। और बाकी जो उस तरफ से कुछ नया दिखता है तो वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं उस तरफ जाता हूँ ब्रिज के उस पार पार करके और मैं आपको फिर दिखाता हूँ। और अभी मैं एकदम इस तरफ में मतलब आ चुका रेल रोड के ब्रिज के एकदम स्टार्टिंग, यानी जो कि इधर पीछे की तरफ चलेंगे लाइन जो है नीचे की तरफ, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाकर घाट नहीं आलम पट्टी को जोड़ रही है। और अभी हम लोग इस तरफ में, यहाँ आप अगर देख सकते हैं यहाँ भी एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें ब्रिज नंबर 19 लिखा है, उधर की तरफ वाला जो मैंने लिखा था उस पर 18 लिखा था, यानी वो 19वां था और ये जो पुल है 20वां है, अरे सॉरी 18वां था और ये 19वां है। और इस पर अभी जो बीच वाला काम है, जो बीच में ट्रैक लगाए जा रहे हैं यहाँ तो नहीं लगाए गए और नहीं ऐसे हैं कोई स्लीपर में, वैसे मेरे को होल नज़र आ रहे हैं, नहीं यहाँ पे स्लीपर में वैसे होल है और नहीं यहाँ लगाए गए हैं। शायद हो सकता है यहाँ लगे या ना लगे, जितना यहाँ पे होल मुझे नहीं दिख रहा तो शायद यहाँ नहीं लगेगा। और आगे की तरफ में यहाँ पे भी देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ स्लीपर रखे गए हैं। तो अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ जिस एरिया में, यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा, शायद इधर से आगे से शायद अवेलेबल होंगे स्लीपर में होल जिसमें इन्हें ट्रैक्स को लगाया जाएगा। यहाँ तक तो अभी रखे गए हैं, अगर होल नहीं हुए तो मेरे हिसाब से शायद इसमें होल किया जाए मे बी। यहाँ से है देखिए, ये जो आखिरी स्लीपर है इसमें होल है, यहाँ से देखें स्लीपर इसमें होल है, मतलब यहाँ से पीछे जितना इस बोर्ड के पीछे जितना स्लीपर्स में होल नहीं है, पर यहाँ से जितने स्लीपर्स है सब में होल है। ऐसे ये पूरे देख रहे हैं बीच बीच में आगे तक रखे हुए हैं, काफ़ी दूर दूर तक, इनका लगाना अभी बाकी है काम। बाकी इस तरफ का तो आप जान ही रहे हैं कि ये पूरा हो चुका है, अगर आपने देखा भी होगा। कोशिश करता हूँ मैं आगे तक आपको चल के दिखा दूँ। अभी तो ब्रिज पे मुझे ये नया चीज़ यही होते हुए दिख रहा है कि इसको लगाना जो बाकी है, ट्रैक्स रखेंगे बीच में लगाने के लिए। ये यहाँ बीच में पता नहीं क्यों आ गया है, ये इसे कहाँ होना चाहिए था मुझे नहीं मालूम। पेंट वगैरह किया है पर काफ़ी जो फिनिशिंग है ना, मैं वही देख रहा हूँ कि फिनिशिंग वगैरह नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ देखें, ये सब देख रहे हैं छोड़ा हुआ है, यहाँ पे इसे पेंट नहीं किया गया है, जितने भी नीचे वाले डाउन वाले हैं कहीं पेंट नहीं है ठीक से। पेंट पे शायद मुझे लग रहा है कि इतना बारीकी से ध्यान नहीं दिया जा रहा, पर नया है तो इस पर पेंट होना चाहिए। अभी के समय तो एक भी लेबर मुझे नहीं दिख रहे हैं सुबह के वक्त, और मेरे को लगता है शायद अभी जो समय है 8:10 है, तो अभी तक तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा है इस समय तक। अच्छा हुआ कि ये बगल में चलने के लिए बना दिया गया है, तब तो इसे बनाना तो था ही, मतलब तो पहले जब ये नहीं बना था उस समय बन रहा था तो यहाँ बीच से जाना काफ़ी वो था, क्योंकि कब वो गाड़ी नहीं लोग की एक इसमें ट्रैक्टर के ज़रिए जो गिट्टियाँ डाली जा रही हैं उसका काम चल रहा है, कभी इनकी ओएची वाली वायर वाली कार आ जा रही है रिपेयर के लिए, अनेकों तरीके के बीच बीच में, और इनके ट्रॉली टेबल जो चलती है रोल वो भी आती जाती रहती है यहाँ पे। अगर हम आगे तो बड़े पूरा कर्व्स देख रहे हैं, अभी मैं तो क्रॉसिंग के पास तक आ गया हूँ एकदम। पूरे ट्रैक्स इसी तरीके से रखे हुए, बाकी ऐसा मुझे कोई विजुअली नया काम नहीं दिख रहा है नहीं जो ब्रिज पे हो रहा हो, क्योंकि ब्रिज वाला जो इतना काम था ये सब फेंसिंग वाला ये चलने के लिए बना नहीं, ये सब तो बहुत पहले हो चुका है, और ये तो पिछले साल ठंडियों में ही हुआ है,
अक्टूबर अक्टूबर के करीब में, और इसके और इसके बीच में गैप है, देखें अच्छा खासा गैप है। इसी तरीके से मैं सोचा कि आगे कुछ देखने को मिला, पर अभी इस प्रणाल में कुछ नहीं है सर। इसी तरीके से पूरा आगे तक के कर्व में अगर आप चले जाओ, मैं चलते चले जाऊँगा तो काफ़ी है। अभी देख मैं ऑलमोस्ट इतना दूर तो आ ही चुका हूँ, और यही नया अपडेट था इस नई वीडियो में। तो जो लोग भी वीडियो में अंत तक बने हुए थे उन लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।